जो पनाह दी जा रही है वो कौन दे रहे हैं पनाह? देखिए, रेल, मैंने कहा कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा, रेल मंत्री को मालूम ही कुछ नहीं है, रेल मंत्री को मालूम ही नहीं है। ये तो जैसे पुराने वो जनरल हुआ करते थे या अंग्रेजों की जो व्यवस्था होती थी, ये उस तरीके से हैं। ये तो राजा महाराजा कई सौ गुना इनसे अच्छे होते थे, मगर इन्होंने तो जो आते हैं अपना, इनका कैडर है कि अगर इनके खिलाफ किसी आदमी ने आवाज़ उठा दी तो कैसे उसको तंग करना है, वहाँ ये सब एक हैं। और करोड़ों रुपए के घपले आज जो रेल के अंदर नुकसान है इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से। सर, मनोज सिन्हा के यहाँ तो सारे बिहार के लोग बैठते हैं और जो पैसे देते हैं वो काम करता, रेल राज्य मंत्री हमारा काम ही नहीं करता। वो सुरेश प्रभु भी कोई काम नहीं करते, वो तो हाई लेवल के काम करते हैं, हमारे ज़मीन पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना जी। भारतीय मजदूर संघ के जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और जो जितने भी प्रचारक काम कर रहे हैं, जो फेडरेशन में कर रहे हैं, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और चक्कर खा खा के आ जाते हैं, चार काम ले जाते हैं, एक काम बड़ा मुश्किल से होता है। हमारे बीच में एक साथी और हैं जो यूनियन से संबंध रखते हैं, उनसे हम खुद परिचय लेते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन। आपका परिचय? मैं दिलीप चक्रवर्ती जी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री हूं, और मैं भी इन्हीं की तरह भूतपूर्व एक्ट अप्रेंटिस 1970 बैच का मैं था, और मेरी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के 6 महीने बाद हम लोगों गया तो तुरंत हम लोगों की उस समय नियुक्ति भी हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ आज यहीं पर खड़ा होकर के, नियम वही है, रूल वही है, सारा कुछ वही है, एक्ट अप्रेंटिस उस समय था, उस समय 6 महीने एक साल के अंदर भर्ती हो जाती थी। तो आज जब 2 लाख से ज़्यादा रेल में रिक्रूट ये जगह खाली हैं, तो इन बच्चों को यहाँ पर धरना देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों नहीं इनको भी इनको दिया गया? ये भारत का जो ये का एक एक विडंबना है कि एक तरफ कहा जाता है कि हम नौजवानों को काम देना है, उनके हाथ में स्किल्ड हैं, और दूसरी तरफ इन रेल में पनपते हुए नौकर साहों के दबाव में आकर के ये सरकार जो है एक एक आदेश निकाल करके इनके भविष्य को अंधकार में डाल रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये 2-3 साल से हम लोग इस पर लड़ रहे हैं, और आज ये बच्चे यहाँ मिले, और इनके भी है कि मैं भारत सरकार से आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 2 नंबर की जो भर्ती आप करते हैं पिछले दरवाजे से, जो जीएम का स्पेशल पावर है, उसमें रेलवे में एक्सीजेंसी वर्क होने पर जीएम जो है वो भर्ती कर सकता है। ये रेलवे की ट्रेनिंग पाए हुए हैं, कोई बाहर ये ट्रेनिंग नहीं लिया है, किसी बनिया की कंपनी में ट्रेनिंग नहीं है, रेल के एक एक पुर्जे का एक एक पार्ट्स का ये जानकार हैं, ट्रेन ये इनके हैं। तो आप दूसरे दरवाजे से जो 2 नंबर ही भर्ती करते हैं वो बंद करिए, और स्पेशल पावर जो जीएम का इनके लिए था उसको रेलवे बोर्ड ने विड्रॉ कर लिया, उसको बहाल करिए, और ये स्किल्ड हैंड हैं, इन स्किल्ड हैंडों को करिए। ईमानदारी सरकार की और इसकी होगी, ये आप इसे रेलवे बोर्ड की ईमानदारी यही होगी कि जो ये बंगला प्यून भर्ती करते हैं, हर अफसर जो है 3 साल में बदलता है, अब बंगला प्यून भर्ती करता है, जीएम 20-20, 30-30 हर साल भर्ती करता है, तो उस जो जीएम का स्पेशल पावर है रेल को संचालित करने के लिए एक्सीजेंसी दिखा करके, इन बच्चों की भर्ती होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ लड़ रहा है और इनके समर्थन में ही आया है, हम सरकार पर बना रहे हैं कि इन बच्चों को, इन नौजवानों की भविष्य को देखते हुए इनको रेलवे में जॉब दिया जाए, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। 3 साल इनको आपने ट्रेनिंग कराया है, अपने यहाँ ट्रेनिंग कराया है, आज ये कहते हैं कि रेल में नई तकनीक ला रहे हैं, रेल में नई तकनीक लाए हैं, और नई तकनीक के ट्रेंड किए हुए बच्चों को आप छोड़ दिया बाजार में, ये किससे काम कराएंगे? तो हमारा ये आपके चैनल से माध्यम भारत सरकार से कहना है कि इन विचार करके इनको तत्काल रेल सभा में रखने का काम करें, आज में ये पूर्ण रूप से सहयोगी हो। ये नौजवान जानते हैं कि नौजवान जो है जब ये क्रांति करता है तो इतिहास बदल जाता है, ये सबक भी इस सरकार को भी लेना पड़ेगा। चक्रवर्ती जी, क्या कारण है कि इनका जो मसला है कहाँ बोर्ड में अटका हुआ है या मंत्री के एक विचार पे अटका हुआ है? ये जिनका मसला जो है वो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के विचार
को जो जो है वो दिमाग में जो पनपा हुआ है वहाँ पर अटका हुआ है, उसका समर्थन ये वर्तमान मंत्री लोग कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री अपना दिमाग चला ही नहीं रहा है इस विषय पर। आज ये इतिहास में सबसे विडंबना है कि आज रेलवे बोर्ड का चेयरमैन वो है जो एक साल पहले रिटायर हो गया था, दो साल उसको एक्सटेंशन दिया गया। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन को एक्सटेंशन दिया जा सकता है, जो चेयरमैन रेलवे का इतना जो है रेलवे को बनिया बना दिया, प्राइवेटाइजेशन में लेकर चला गया, एम्प्लॉयमेंट जब जहां पर वो जनरेट होना था वो खत्म कर दिया, उसको एक्सटेंशन दिया। और यही रेलवे जो है ये मांग रहे हैं ट्रेनिंग करने के बाद कि हमको काम दो, इनको काम नहीं दिया जा रहा। ये अटका हुआ है रेल मंत्रालय, पूरी मंत्रालय के जो है वो गंदी नियत और गंदी सोच के कारण अटका हुआ है। इसलिए आपके चैनल से मेरा ये भी निवेदन है कि वर्तमान सरकार को और रेल मंत्रालय को ये अपने गंदी आदेशों को ये तुरंत विड्रॉ करके हर जीएम को आदेश दे कि उनके यहाँ जितने वैकेंसी हैं इन अप्रेंटिसों को नियुक्ति दे करके उसकी भर्ती करें। ठाकुर साहब, आप यूनियन चला रहे हैं, क्या कारण है कि आज रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं? देखिए, वो तो एक सोच डेवलप कर दी ना, आपके आपके उद्योग में राष्ट्रभक्ति का और जिम्मेवारी खत्म हो गई। ट्रेड यूनियन का जिसको नेता बनना है, ठीक है ना, जिसको काम नहीं करना है, आपने एक कंसेप्ट डेवलप कर दिया कि अगर आप रेलवे में काम नहीं करना चाहते तो आप ट्रेड यूनियन में शामिल हो जाइए। तो आप उठा के देख लीजिए, भारतीय मजदूर संघ की ट्रेड यूनियन को छोड़ के जो बाकी यूनियन है उनके पदाधिकारियों को देख लीजिए, अगर उन्होंने कभी एक रुपया कमा के दे दिया हो। और रेल की दुर्दशा क्यों हो रही है कि रिटायर लोगों के हाथ में जो रेल की बागडोर, ट्रेड यूनियन की बागडोर है, वो रिटायर लोगों के हाथ में वो महामंत्री बने बैठे हैं। आपको मैं आपको जानकारी देता हूँ कि भारत सरकार रेलवे बोर्ड, इन बच्चों को भी जानकारी नहीं होगी, कम से कम 100 करोड़ रुपया इन ट्रेड यूनियन में एक वर्ष पे खर्च करती है। 100 करोड़ रुपया, अब आप सोचिए 100 करोड़ रुपया इन ट्रेड यूनियन पे खर्च किया जा सकता है, क्या इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती? मगर क्या है, मैंने आपको बोला कि जो स्थिति बना दिया, कर्मचारी भी कुछ कर्मचारियों को भटका दिया गया। देखिए, जैसा लीडर होता है वैसा नीचे संस्था होती है, वैसा नीचे लोग बनते जाते हैं। तो पदाधिकारियों ने क्या है, वो कर्मचारी के मन में एक भाव बना दिया कि रेल के प्रति जिम्मेवारी नहीं है। रेल के अंदर एक बड़ा सिंपल सा मुहावरा मशहूर है, रेल की यारी सिग्नल तक। मैं कई बार अपने साथियों के साथ बात करता हूँ कि हम 30 साल 35 साल 25 साल आपस में नौकरी करते हैं और ये कैसे हम सोच सकते हैं कि यार रेल की यारी सिग्नल तक, मतलब ये जो मुहावरा या वाक्य कहाँ से निकल के आ गया यार? एक आदमी कहीं पर पटरी पे भी बैठा होता है या किसी भी इंडस्ट्री में होता है, 25 साल 30 साल काम कर लेता है, उस जिंदगी भर एक दूसरे से लोग जुड़े रहते हैं। चलो तो 2 साल में हम लोग इन बच्चों से मिले, हमारे पास वो नितिन और नवजीत क्या ये लोग आए, राकी ये लोग आए, तो कैसे हम लोग जुड़ गए? तो कैसे ये मुहावरा आपने बना दिया कि रेल की यारी सिग्नल तक? क्योंकि आपका उत्तरदायित्व रेल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए है ही नहीं है, राष्ट्र की प्रगति में आपका विचार ही नहीं है, जो मूल जो विषय है। और भारतीय मजदूर संघ इन्हीं चीज़ों से होके, भारतीय मजदूर संघ का नारा था राष्ट्रित, उद्योगित और श्रमिकित। हम बात करेंगे सबसे पहले कि वो काम हो जिसमें राष्ट्र की प्रगति हो, हमारा उद्योग आगे बढ़े और श्रमिक के अंदर जो काम करने वाला है उसके अंदर देशभक्ति की भावना हो कि मुझे अपने काम से ये चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मगर आज तो ये स्थिति नहीं है, ये मानसिकता नहीं है, समाज इतना दूषित हो गया। और वो दूषित करने वाले लोग कौन है? वो ऐसे ही विचार, आपको 8 घंटे नौकरी नहीं करनी है और आपको 50,000 खाली तनख्वाह मिलेगी। अब ऐसे आदमी को आप कहेंगे कि ये गलत हो रहा है और आप यहाँ पर आके काम करिए, 8 घंटे की नौकरी करिए और ट्रेड यूनियन करिए, तो वो कभी आएगा? कभी नहीं करेगा, कहेगा भाई मैं अपने यहाँ मस्त मज़े में हूँ। तो ये जो समस्याएँ आ रही हैं, देखिए ये बीज हैं जो वृक्ष का रूप ले रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे हैं जो ये समस्याएं आज आ रही हैं। आज मैं इनके साथ शामिल हुआ, मुझे मालूम है, मैं आज अपने ऑफिस से छुट्टी लेके आया हूँ, मैं छुट्टी लेके, क्योंकि मुझे जो मेरे को अधिकार मिला छुट्टी लेने का, मैंने छुट्टी ली और मैं इनके साथ शामिल हूँ। मगर यही इनके वर्सेस कोई और होता तो ऑन ड्यूटी आता और 500 रुपये 1000 रुपये टी अलग क्लेम करता। तो देखिए, ऐसी व्यवस्थाओं से, ऐसी चीज़ों से निकलना पड़ेगा। और ट्रेड यूनियन लीडर अगर ब्यूरोक्रेट्स के सामने अपनी समस्या, पर्सनल समस्या के समाधान के लिए खड़ा हो जाएगा तो फिर इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा? वो तो आज हमें भी कहते हैं, हम जब जाएंगे तो हमारे को कहते हैं आप पर्सनल काम बताइए अपना, तो हम पर्सनल क्यों बताएं?
हमारी जो ट्रेड यूनियन है, जो मान्यता प्राप्त संगठन है, वो इसी तरीके से अपने पर्सनल काम करा करा के इन अधिकारियों के आगे बिक चुके हैं और एक ऐसा नेक्सस बना दिया गया है जो दलाली का है। वो कहीं से लेके कहीं तक चले जाइए, आपने प्राइवेटाइजेशन की बात करी, रेलवे के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन की कमेटी बनी है उसके मेंबर मालूम है कौन कौन है? टाटा, ठीक है, और उसके बाद रेलवे के दो ट्रेड यूनियन के टॉप लीडर शिवगोपाल मिश्रा और रघुवैया, जो वो कमेटी के मेंबर हैं। तो मुझे बताइए आप कि अगर आप रेलवे को प्राइवेटाइजेशन से रोकना चाहते हैं तो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने वाली कमेटी के मेंबर क्यों बनते हैं? वो मेंबर इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ से लाभ मिलने वाला है, इसलिए मेंबर बनते हैं। तो आप कैसे बयान दे देते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आप नारा लगाते हैं और वहाँ वो हो जाते हैं। इन्होंने स्ट्राइक का पीछे किया, स्ट्राइक में ये बच्चों की तो अभी नौकरी लगी नहीं है, तो हमने ये विषय रखा था कि स्ट्राइक करिए, अच्छी बात है, मगर जो आप अभी जो लड़के नए नए भर्ती होके आए हैं इनकी नौकरी दाब पे लगा रहे हैं। अगर आपके अंदर सही जज्बा है स्ट्राइक करने का तो आप लोग रिटायर लोग बैठे हैं ना, आप क्यों नहीं कहते भारत सरकार को कि हम अपनी मान्यताएं रद्द करते हैं, हमें आपकी एक फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम आपसे अपनी पेंशन नहीं लेंगे? तो आप समझ आते हैं कि आप सही लीडर हैं, मगर आप दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं और वो जो नए नए बच्चे थे उनको मरवाना चाहते हैं कि वो रिमूवल हो जाएंगे तो वो भटकते रहेंगे। ये जो स्थितियाँ हैं ये एकदम नहीं आई हैं, क्योंकि ऐसे बीज बो दिए गए हैं। तो अब मोदी जी को देखिए, समर्थन दिया है जनता ने तो उनको अपने सामर्थ्य से ये जो है इन समस्याओं का समाधान भी करना है, तभी उनको याद रखा जाएगा और तभी देश प्रगति करेगा, नहीं करेगा तो उनको भी लोग भगा देंगे, जैसी जो चीज़ें चल रही है। आज ही आज अगर आप इनसे देखें तो मैं 100% कहता हूँ कि आज इनके दिल में फिर भी एक हमारे प्रधानमंत्री से एक उम्मीद है कि यार वो आदमी हमारे को कुछ कर सकता है, एक इनके अंदर रिस्पेक्ट और वो चीज़ है। बाकी नीचे की लॉबी वो सारी फेल है। तो आपके चैनल के माध्यम से दादा ने भी कहा, मैं भी चाहता हूँ कि मोदी जी तक ये बात पहुँचे कि इतना जो यहाँ पर जो युवा है, ठीक है, कम से कम 15-20 हज़ार लोग हैं जो ऐसी स्थितियों से प्रताड़ित हुए पड़े हैं, उनकी समस्या का समाधान हो और उन्हें देश की प्रगति की मुख्य धारा में लाया जा सके। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय रेल मंत्री, तीनों मंत्रियों को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी ये जो इशू है ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। रेल में बहुत वैकेंसी खाली है, इसलिए आज इतने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये सब नौजवान हैं, देश की भविष्य इनके हाथ में है, सब परिवार छोड़कर ये पड़े हैं, तो भारत सरकार को इस पर इसके ऊपर इनके सब ऊपर सहानुभूति रखते हुए वन टाइम सेटलमेंट करके इन सारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करें, ये हम भारत सरकार से करना चाहते हैं। धन्यवाद।